Hey guys, good morning, namaste, welcome back to the Bora Vlogs. और आज हम आ चुके हैं नौलिंग देवता मंदिर, जो कि पोखरी कुशमाड़ गांव से काफ़ी ऊंची वाली चोटी पर है, तो काफ़ी हाइट पे है, तो इसलिए पैदल पैदल आना पड़ा हमें बहुत चल के. और फाइनली पहुंच चुके हैं नौलिंग मंदिर. तो आपको दर्शन कराते हैं नौलिंग मंदिर के, और यहाँ पर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो दिखाएंगे नौलिंग मंदिर को पूरा रिनोवेट कर दिया गया है नई तरीके से. तो दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या नया बनाया गया है और कराते हैं मंदिर के दर्शन. वैसे तो मंदिर के कपाट आज बंद है, बिकॉज यहाँ लॉक लगा हुआ है, तो कोई नहीं है यहाँ पर, सब जगह बंद है. तो बाहर बाहर से आपको दर्शन कराते हैं पूरे. तो ये है पहले मंदिर, मेन मंदिर जो है हमारा. तो यहाँ पर एक बड़ी सी घंटी भी लगी हुई है, देखो. लिखा हुआ है इस पे, चौकी गांव के लोगों ने शायद लगाई घंटी 2021 में, 19 अक्टूबर 2021 में लगी गई घंटी. तो इस पे सब पे घंटी पे नाम भी लिखे होते हैं इस तरीके से. यहाँ पर देखो इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई है लाइन से. पहले उधर भी लगती थी घंटियाँ, बट उधर से बटा दी गई हैं. आपको आगे और क्या क्या है इस मंदिर में. तो एक ये रूम बनाया गया है, पता नहीं किस चीज़ का रूम है, बट एक ये रूम बनाया गया है यहाँ पे. एक यहाँ पर प्रसाद घर है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है अभी, और ये कीर्तन के लिए बनाया गया होगा शायद. यहाँ बनाया गया संपर्क कक्ष, आई थिंक जो इस मंदिर की देखरेख करेंगे शायद वो यहाँ पर बैठेंगे, तो उनसे कांटेक्ट करना हो तो शायद उनके लिए बनाया गया होगा ये. बाकी प्रसाद वितरण कक्ष, तो आई थिंक यहाँ पर प्रसाद मिलेगा. तो सामने गुप्तेश्वर बाबा जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, और लिखा हुआ जय श्री नौलिंग जीव नारायण. तो पूरा अच्छा सा बनाया गया है स्पेस, और यहाँ देखो पूरा वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा छोड़ा गया है इस तरफ को जाल, और यहाँ पर भी गेट लगा दिया गया है, उस तरफ को वॉशरूम भी बनाए गए हैं, और इधर हाथ धोने के लिए बनाया गया है पूरा. इधर भी आई थिंक हाथ धोने के लिए बनाया गया है. और ये आ गई रसोई घर, जहाँ पर सारा प्रसाद तैयार होगा वो है ये. और उसके बाद आई थिंक ये भी एक स्पेस है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा पता नहीं. इधर भी एक रूम बनाया हुआ है, और ये आई थिंक हवन कुंड बनाया गया यज्ञ के लिए. तो ये है हवन कुंड. तो इस तरीके से तीन द्वार हैं, ये तो काफ़ी टाइम पुराने ही बने हुए हैं, जब हम पहले आते थे तब से बने हुए हैं ये तीन द्वार. एक इधर भंडार घर बनाया गया, ये है भंडार घर, जहाँ सारा स्टोर करते हैं सामान, जो भी भंडारे का सामान होता है और बाकी सामान होता है मंदिर का, सब इसमें स्टोर कर देते हैं. तो चलो अब बाहर से भी दिखाते हैं क्या बन रहा है इस मंदिर में. एक मेन गेट भी बन रहा है बाहर से मंदिर के लिए, तो वो भी दिखाते हैं. और इसके आगे एक और मंदिर है, बंजाण, कौन सा है, एक देवी मंदिर है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको. एक ये भंडार घर बनाया गया है, ये भंडार घर है ना, नहीं सर खाना बनाने, एक ये खाने के लिए बनाया गया है. और ये देखो भाई सारा हॉल लग चुका है, इधर सारा कोहरा कोहरा हो चुका है, तो कुछ नहीं दिख रहा. वैसे यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है नीचे का, काफ़ी हाइट पे मंदिर, तो यहाँ से सारे गांव दिखते हैं काफ़ी नीचे, बट अभी सारा कोहरा हो गया है तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से. ये देखो कुछ नहीं दिख रहा, सब ढक चुका है, और ये कोहरा यहाँ पर भी फील हो रहा है, हल्का हल्का सा धुआं धुआं सा हो गया इधर भी सब. घर में हमें सर्दियों का एहसास आ रहा है, जुलाई के महीने में सर्दियों का एहसास आ रहा है, यहाँ पर कोहरा हो गया, क्योंकि एक गेट यहाँ पर भी हुआ करता था, बट वो गेट अभी तोड़ दिया है, शायद रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो दोबारा बनाएंगे. और यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर भी, तो ये भी नया गेट बन रहा है मेन गेट, इसका भी काम चल रहा है यहाँ से. बाकी अब चलते हैं देवी मंदिर और दिखाते हैं आपको देवी मंदिर. आई थिंक पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा देवी मंदिर आपने, बट थोड़ा सा कुछ दिखा देंगे देवी मंदिर को भी आपको. तो आ चुके हैं हम देवी माता के मंदिर, तो दर्शन कराते हैं हम देवी माता के मंदिर के आपको. जाओ वहाँ लगे थे वो गुड़ैल के फूल, गुड़ैल नहीं वो कुछ और है,
गाइस मकड़ी का जाला, मकड़ी नहीं दिखेगा नहीं शायद आपको, मकड़ी अभी पूरा ऐसा बुना हुआ है जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना स्पाइडरमैन में, उस तरीके का जाला लग रहा है पूरा। तो ये है देवी मंदिर नॉलिंग के पास ही है भी। तो गाइस बारिश के टाइम में बड़ा संभल के चलना पड़ता है। अभी मेरे पैर में जोंक लग गई और मुझे पता भी नहीं चला, हल्का सा मुझे कुछ फील होगी पैर में कुछ चल रहा है, तब मैंने देखा जोंक लगी पड़ी थी। तो देखो दिखाता हूँ तुम्हें जोंक क्या होती है। ये देखो गाइस ये है जोंक और दोनों साइड इसका मुँह होता है, इस तरफ भी उस तरफ भी। वो पैरों पर लग जाती है, पैरों से खून निकलने लग जाता है, पता ही नहीं चलेगा आपको जोंक लगी हुई है। मेरे भी निकल जाता थोड़ी देर में, वो तो मैंने टाइम पे देख लिया एकदम, मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। फिर मंदिर के नीचे ही खड़िया का काम भी चल रहा है, तो यहाँ खड़िया खोद खोद के मतलब इतनी ज़्यादा खड़िया खोद दी है कि यहाँ पहाड़ी खिसकने लग गया है, इससे मंदिर को भी खतरा हो सकता है। पूरी ज़मीन में तरे डा रखी है, इतनी दरार पड़ी हुई है, फिर भी लोग खोदे जा रहे हैं खड़िया खड़िया, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं अपने बिजनेस खड़ियाओं से। और वो बार बार चेक कर रहा हूँ मेरे पैरों को, मुझे लग रहा है जोंक तो नहीं लग रही पैर में, एक बार लग चुकी है ना, इसलिए अब हम लोग सारे बार बार चेक कर रहे हैं अपने पैरों को जोंक। पहाड़ों को खोद खोद के पूरा लैंडस्लाइड जोन बना देंगे ये लोग। इसी खड़िया से बनता है पाउडर, ये जो खड़िया होती हैं इस सारी, इन्हीं सबसे बनता है पाउडर, तो इसीलिए सारा खोद खोद के खड़िया निकालते हैं और फिर यहाँ से सप्लाई होता है बाहर और फिर इससे बनाते हैं पाउडर। देखो पूरा वाइट वाइट दिखेगा इधर से भी सारा। बाकी अब हम आ चुके हैं नॉलिंग मंदिर से नीचे और बार बार चेक कर रहा हूँ मैं जोंक कि जोंक तो नहीं लग गई मेरे पैर में। क्या क्या होता है ये, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ होता है ये पता नहीं, लाल लाल से छोटे छोटे से किरमो किल किरमोड़ बोल रहे, क्या बोले मम्मी ऐसे कुछ है। मौसम हो गया थोड़ा सा साफ हो गया मौसम, और ये देखो नज़ारे पहाड़ों से। और अभी देखो नॉलिंग मंदिर भी दिखने लगा है, ये है नॉलिंग मंदिर जहाँ पर अभी हम गए थे, ये ऊपर दिख रहा है नॉलिंग मंदिर। नीचे से हम आए थे बहुत नीचे, यहाँ से दिख नहीं रहा, उस तरफ से दिखेगा। तो देखो भाई बादलों को टच कर रहे हैं बिल्कुल पहाड़, बादलों को बिल्कुल एकदम। रात के बज चुके हैं अब 10 और सोनी भी सो गई है, इसलिए थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ मैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आगे भी और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, धन्यवाद।